नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। कभी महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कभी टूटी सड़कों और जगह जगह गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ताजा मामला इटावा से है, जहां पर तेज बरसात में गड्ढा युक्त सड़कों पर हुए जलभराव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धान की पौधारोपण कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। गोरखपुर के हरपुर बुदाहट थाना क्षेत्र में ऑटो ड्राइवर सीताराम शुक्ला ने जमीनी विवाद के चलते रंजिश में अपने पाटीदार के घर धावा बोल दिया और मौके पर 3 साल के मासूम की कुदाल से निर्मम हत्या कर दी। वहीं हमले में मासूम की दादी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि मासूम की मां के सर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मासूम और उनकी वृद्धादी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने के लिए मिला है। ऑटो ड्राइवर ने कुदाली से मासूम और वृद्ध महिला की हत्या कर दी। हरदोई के अरियामा ब्लॉक में अछुआपुर गांव से होकर निकली शारदा नहर में अचानक हजारों अंडे पानी के बहाव के साथ बहते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए और इन अंडों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं अंडों के लालच में दर्जनों लोगों ने पानी के तेज बहाव की परवाह किए बगैर अपनी जान हथेली पर रखकर नहर में छलांग लगा दी। हालांकि घटना तो नहीं हुई, लेकिन दर्जनों फ्री के अंडे पाकर ग्रामीणों के चेहरे जरूर खिल उठे। फिलहाल ये हजारों अंडे कहां से आए इसका पता नहीं चल पाया है। तस्वीरें आप देखिए, नहर के बहाव में हजारों अंडे बहते हुए नजर आए, जिनको देखने के लिए ग्रामीणों की होड़ मच गई। साथ ही साथ अंडों को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी। हमारे गाँव के नजदीक से सारा नहर गुजरी है, जहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आया नहर में उतारते हुए, तो लोग नहर में के पास गए तो वहाँ पे अंडे दिखाई दिए लोगों को, तो लोग आश्चर्य मानने लगे, जो कि ट्रकों की संख्या में अंडे थे। लोग उनको निकालने का भी काम कर रहे थे। क्या लगता है कहाँ से आए होंगे? यही लगता है, ये इसका कुछ क्लियर नहीं हो पाया कहाँ से आए, मगर ट्रकों की संख्या में अंडे थे। कानपुर में अमराहट केनाल पंप परियोजना का जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा किया। उन्होंने अमराहट केनाल पंप योजना के अभियंता से इस परियोजना के बारे में जानकारी ली और कहा कि इस परियोजना को जल्द पूरा करें ताकि जिले के किसानों को इस परियोजना से लाभ हो सके। साथ ही पानी के अभाव में उनकी फसलों की जो बर्बादी हो रही थी वो रुक सके। इस परियोजना से तकरीबन 3 तहसीलों के 160 गाँव लाभान्वित होंगे। तहसील भोगनीपुर, सिकंदरा, डेरापुर, जिसकी कुल आबादी 1.97 लाख है, इस परियोजना से उनको लाभ मिलेगा। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, उप जिलाधिकारी सिकंदरा रमेश चंद यादव, जिला सूचना अधिकारी नरेंद्र मोहन, तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। तो डीएम नेकिया परियोजना का निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इससे कई गांवों को लाभ मिलेगा और इस गांव की जो संख्या है करीब लाखों बताई जा रही है। सरकार को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इस बीच कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में किसानों और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विपक्षी पार्टी सपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी जेके मंदिर के सामने काकादेव पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर नारेबाजी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। किसान और व्यापारियों के मुद्दे को लेकर भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और थाने में जमकर नारेबाजी की है। आप बता दें कि ये मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने इन्हें रोक दिया है और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। तो कानपुर नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां सपा कार्यकर्ता धरने पर थाने के सामने बैठे हुए नजर आए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ किसानों और व्यापारियों को मुद्दों को भी इन्होंने उठाया है, साथ ही साथ यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ललितपुर के गिन्नौटा बाग में एम्बुलेंस ड्राइवर और कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसी बीच कर्मचारी संघ के अद्विवेक चतुर्वेदी ने खुदकुशी करने का प्रयास किया।
जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अपनी मांग को लेकर एम्बुलेंस ड्राइवर और कर्मचारी अलग अलग जिलों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। एम्बुलेंस चालकों और कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, पिछले कई दिनों से ये हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संघ अध्यक्ष खुदकुशी का प्रयास करता हुआ भी नजर आया है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस चालक है उन्हें मुआवजा दिया जाए इसको लेकर भी आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में दादनगर फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज विवेक सिंह यादव पर गरीबों से पैसे मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आने के बाद बस्ती के लोग अपना मकान बना रहे हैं, वही मकान बनाने के नाम पर पुलिस ने उनसे पैसे मांगे। जब मकान बना रहे लोगों ने पुलिस को पैसे नहीं दिए तो पुलिस ने काम बंद करवा दिया। वही दारोगा की प्रताड़ना से तंग आकर नौरिया खेड़ा के दर्जनों लोग डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचे। वहीं डीसीपी कार्यालय में पीड़ितों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मकान बनाने के नाम पर दारोगा ने पैसे मांगे हैं, जिसको लेकर जो परिजन हैं वो परेशान नजर आए हैं। उनका कहना है कि हमसे मकान बनाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसा नहीं मिला तो पुलिस लगातार काम बंद करवाती हुई नजर आ रही है। ऐसा एक दिन नहीं, रोजाना ऐसा हो रहा है। जहां जहां पर मकान बन रहे हैं वहां पर पुलिस आती है, पैसा मांगती है और जब ये लोग पैसा नहीं देते तो इनका काम बंद करवा कर चली जाती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एक शिकायत दर्ज कराई है। मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र में पानी के गड्ढों में डूबकर दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक बच्चे सगे भाई थे। सगे भाइयों की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि यहां सड़क के किनारे जेसीबी से किए गए गड्ढों में पानी भरा हुआ था। यहां खेलते समय दो भाई एक बड़े गड्ढे के पास पहुंच गए। एक भाई पानी में डूबने लगा, उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भाई भी पानी में डूब गया। दोनों सगे भाइयों की मौत पर मातम पसरा हुआ है और आसपास कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा दहशत में बने हुए हैं और साथ ही साथ वहां प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जेसीबी की मदद से यहां पर गड्ढा खोदा गया था लेकिन समय रहते बंद नहीं किया और जिसमें डूबने से दो मासूम भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ जी, हम खेत से काम करके आ रहे थे, बच्चे आगे आ गए थे, हम पीछे पीछे थे। वहाँ पे जो सड़क की मिट्टी पड़ी हुई है उसमें फिसल के एक बड़ा वाला बच्चा पहले गिर गया, उसको बचाने के चक्कर में दूसरा छोटा वाला भी गिर गया। जब तक हम चिल्लाने को करे ग्रामीणों की तरफ, तब तक ग्रामीण दौड़ के आए, उनकी डेड बॉडी निकाली गई, तब तक वो खत्म हो चुकी। दोनों बच्चों की मौत हो गई है। जालौन में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त और लेखा अनुभाग में तैनात वरिष्ठ बाबू को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बीएसए कार्यालय में तैनात वित्त और लेखा के बाबू की तरफ से एक अध्यापक से एरियल निकलवाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी शिकायत अध्यापक ने एंटी करप्शन टीम से की थी। इस शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं उरई कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा लिया है। तो रिश्वत लेते बाबू को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है, कोतवाली मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। वित्त लेखा अधिकारी कार्यालय में मेरा दो महीने का एरियर वेतन पड़ा हुआ था, उसके एवज में इन्होंने हमसे जो है 15,000 रुपए की पेशकश की मांग की थी, तो 12,000 रुपए में ये तय हुआ। और इन्होंने हमसे कहा कि आज कुछ लाए हो तो दे जाइए, तो मैंने इन्हें 15,000 रुपये पिछले 15 दिन पहले दे दिया था, 2,000 रुपये मिल गया ना पड़े। और फिर इसके बाद मैंने कि व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आके आपको दे दूँगा। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं जो है मैंने इनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ व्यवस्था करके, तो आज जो है इनका तय हुआ था। तो इसकी शिकायत मैंने एंटी करप्शन टीम झांसी से शिकायत की थी, बाद में इनको रंगे हाथों पकड़वा दिया। विनय कुमार ये बाबू हैं, वरिष्ठ बाबू वित्त एवं लेखा अधिकारी कार्यालय। इनसे जुड़ा कोई मामला नहीं, इनका मामला सामने आया, इनसे संबंध में कार्रवाई एंटी करप्शन टीम द्वारा की गई है। सर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली का मुकदमा लिखा कर कार्रवाई की गई।
मथुरा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े आक्रोशित पत्रकारों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि मीडिया संस्थान और पत्रकारों पर आईटी की छापेमारी हो रही है, उसे रोका जाना चाहिए। अगर पत्रकार और मीडिया संस्थानों पर इस तरह उत्पीड़न जारी रहा तो पत्रकार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन और ब्रिज प्रेस क्लब आदि प्रमुख पत्रकार संगठनों ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों पर हो रही कार्रवाई और छापेमारी की कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मीडिया संस्थानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे में पत्रकारों पर कार्रवाई रोकी जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आक्रोशित पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर है। तो वही पत्रकारों की तरफ से कहा गया है कि अगर जो कार्रवाई हो रही है वो जल्द ही नहीं रोकी गई तो पत्रकार बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मथुरा के जिलाधिकारी के द्वारा हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल महोदया को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इसमें जो देश भर में दो प्रमुख संस्थान हैं मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, भास्कर समूह और भारत समाचार चैनल, इन दोनों ग्रुपों पे आईटी छापे लगे हैं। वो उससे पत्रकारों को ऐसा लगा है, बुद्धिजीवियों को ऐसा लगा है, समाज के विपक्षी नहीं सभी को ऐसा लगा है जैसे सरकार चुनाव आने वाले हैं और सरकार जो है मीडिया को दबाना चाहती है, अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, जो सुर उसका हो उसे बुलवाना चाहती है। तो ऐसा ये संदेश गया है। मैं चाहता हूँ कि सरकारें इस पर, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी ध्यान देंगे ऐसी कार्यवाही, क्योंकि यूपी में चुनाव, कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, ऐसी गतिविधियां आगे नहीं करेंगे। मथुरा के गोवर्धन तहसील क्षेत्र में गांव में प्राथमिक विद्यालयों की तरफ से मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं विद्यालय के अध्यापक हर मोहल्ले में जाकर क्लास लगा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये अभियान शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू किया गया है क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई न होने से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह रहे थे, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने मोहल्ला क्लास की शुरुआत की है जिसमें विद्यालय के अध्यापक और महिला अध्यापक गाँव के हर मोहल्ले में जाकर क्लास लगाएंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। वाकई बेहद ही बेहतरीन कदम है क्योंकि इस कोरोना काल में स्कूल काफी समय से बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक समय पर नहीं हो पाती है कि कई ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है स्मार्टफोन लेने के लिए। कई बार जो नेटवर्क इशू हैं वो रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार नेटवर्क नहीं पहुंच पाते तो ऐसे में बच्चों की क्लास नहीं हो पाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे, बच्चों को अब मोहल्ला क्लास में पढ़ाया जाएगा। मोहल्ला क्लास लगाकर अभियान चलाया गया है, मोहल्ले में जाकर बच्चों को अब अध्यापक पढ़ाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर एक साथ आजम खान की रिहाई के लिए मशाल जुलूस निकालकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है और इसी के साथ आजम खान की रिहाई के लिए मांग की है। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी आजम खान के घर पर जाने के बाद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा से मिले थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब आजम खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिमों को रिझाने के लिए किया जा रहा है। तो आजम खान की रिहाई को लेकर लगातार मांग की जा रही है। सपा कार्यकर्ता और सपा के जो नेता हैं वो मशाल जुलूस निकालते हुए नजर आए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आजम खान की रिहाई को लेकर ये जुलूस निकाला गया है और कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो कि तंजीम फातिमा यानी कि आजम खान की पत्नी से भी मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि तमाम मामलों को लेकर आजम खान जेल में बंद हैं, बीच में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में शिफ्ट भी कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद फिर से उन्हें वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर लगातार सपा कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है जो मुरादाबाद में तमाम जन समस्याएं उनको लेकर ये मशाल जुलूस है और माननीय आजम खान की रिहाई के लिए ये मशाल जुलूस हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रखा है, उसको हम गवर्नमेंट पॉलिस से और कोतवाली तक जाएंगे।
पीलीभीत के जिला अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही बिना मास्क के खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जहां एक ओर लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग यहां पर मास्क लगाते हुए भी नजर नहीं आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी लोग यहां पर बने रहे, इन्हें यहां से नहीं हटाया गया, कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। ऐसे में अगर इस तरह से ही भीड़ रहेगी तो कोरोना वायरस और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसके संक्रमण तेजी के साथ फैलता हुआ नजर आ सकता है। पीलीभीत की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के नजदीक आते ही पार्टियों ने जातीय समीकरण साधना शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रतापगढ़ के रानीगंज में विधानसभा के बीएसपी के पूर्व विधायक राम शिरोमण शुक्ला के गांव में बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन सतीश मिश्रा की अगुवाई में आयोजित किया गया। वहीं बसपा महासचिव सतीश मिश्रा बसपा के खेमे में ब्राह्मणों को रिझाने की कवायद में जुट गए हैं, यानी कि अब बीएसपी पूरी तरह से तमाम पत्ते जो हैं वो खोलती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम पत्ता ब्राह्मण कार्ड है। ब्राह्मण को रिझाने के लिए बीएसपी पूरी तैयारी कर चुकी है। 2022 को लेकर ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत जो है अयोध्या से हो चुकी है। तमाम जिलों में अब ये सम्मेलन जो है होगा, जिसमें ब्राह्मणों को साधा जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जहां बदमाशों के एनकाउंटर शुरू हुए थे, वहीं बदमाशों में भी पुलिस का खौफ देखने को मिला था, जिसके चलते बदमाश अब खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते भी नजर आ रहे थे और अब भी आ रहे हैं। वहीं शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र में अब तक कुल 22 अभियुक्त सरेंडर कर चुके हैं। आज भी कैराना कोतवाली में धारा 307 और गैंगस्टर की धाराओं में वांछित चल रहे 6 अभियुक्तों ने सरेंडर किया। इसी के साथ पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शामली की तस्वीरें, जहां पर बदमाशों का एनकाउंटर शुरू हो गया है और एनकाउंटर से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं और आत्मसमर्पण की इस कड़ी में 22 गैंगस्टर थाने में सरेंडर कर चुके हैं और आज भी कैराना में कुछ और जो अभियुक्त थे वो सरेंडर करते हुए नजर आए हैं, जो कि कई मामलों में वांछित चल रहे थे। जनपद शामली के कैराना क्षेत्र में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के चलते आज थाना कैराना पर गैंगस्टर एक्ट के वांछित 6 अभियुक्तों के द्वारा स्वयं ही आकर आत्मसमर्पण किया गया है। इन सभी 6 अभियुक्तों पर पूर्व में काफ़ी अभियोग पंजीकृत है, जिनमें हत्या का प्रयास और बलवा के मुकदमे। शामली में बिजली का करंट लगने से बीएड के छात्र की मौत हो गई। शामली में बीते 16 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण जगह जगह सड़क पर जल भराव हो गया है। बताया जा रहा है कि छात्र सुबह अपने घर से परीक्षा देने के लिए जा रहा था तो रास्ते में सड़क पर पानी भरा हुआ था और सड़क के किनारे लगे विद्युत विभाग के खंभे में करंट दौड़ने के कारण रास्ते में भरे पानी में भी करंट दौड़ने लगा, जिस कारण करंट लगने से छात्र की मौत हो गई। वह मृतक छात्र के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने से बीएड के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बीते कई घंटों से बारिश हो रही है शहर में, जिसकी वजह से चारों तरफ जलभराव की स्थिति है। ऐसे में जब छात्र सुबह परीक्षा देने के लिए निकला तो कुछ पोल्स पर करंट दौड़ रहा था और करंट की चपेट में आने से इस छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। या प्रवीण कुमार जी, भीड़ लग रही है, क्या पूरा मामला है जो युवक की मौत हुई है? ये मेरा भतीजा है, शादी में रहता है। ये बीएड के पेपर चल रहे हैं इसके, यहाँ से पेपर देने आकर आपको 9:15 गाड़ी आई थी। सुबह 6:15 घर से चला था और बैंक को बड़ोदा आगे आगे आ रहे बाहर खंबा है, वहीं पर मेरा मिला। हुआ क्या करंट? करंट लगा।
पुलिस द्वारा एक मृत युवक को लाया गया है सर, क्या पूरा मामला है सर? ये इसका नाम निलेश सचदेव आता है, पिता का नाम विनोद कुमार और ये नया बाजार में रहता है। तो ये पेपर देने जा रहा था तो जैसे ही वो बाहर सड़क पर मेन सड़क पाया बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, तो वहाँ पे खंभे को जैसे ही टच किया तो करंट फंस गया और उसके बाद पानी में गिर गया। बदायूं जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के प्रांगण में एक युवक ने खुद को आग लगा ली, जिससे विकास भवन में स्थित कार्यालय में हड़कंप मच गया। युवक के पिता राजेंद्र शर्मा साधन सहकारी समिति में सचिव के पद पर तैनात है, जिनका गबन के आरोप के चलते निलंबन हो गया था। निलंबित सचिव आज अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ विकास भवन अपनी शिकायत के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान विकास भवन के बाहर प्रांगण में उनके बेटे विपिन शर्मा ने अचानक अपने शरीर में ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा ली। मौके पर मौजूदा होमगार्ड समेत तमाम लोगों ने बमुश्किल विपिन की आग बुझाई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। तो युवक ने खुद को आग लगा ली, युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। दो सेंटर दिए थे, उसके गेहूं खरीद के सरकारी गेहूं खरीद में 10 लाख रुपए लगा दिया, मैं वेतन के एक पैसा नहीं दिया किसी अधिकारी ने। यहाँ अधिकारी से शिकायत करने आओ, रिश्वत मांगते हैं, 1.5 लाख रुपए रिश्वत यहाँ खिला चुके। 1.5 लाख रुपए ADCO है यार, जो मनोज उत्तम और जो राघवेंद्र शर्मा थे, यहाँ राघवेंद्र सिंह थे, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए खा चुके दोनों। और उमेश राठौर जो है, जो सहकारिता विभाग का वो है चेयरमैन, बैंक का सहकारी बैंक का चेयरमैन है, 60,000 रुपए वो खाया बैठा है, समझ गए? नेता बनते हैं, नेता है वो, किसी अधिकारी नेता है राठौर। शिकायत करी थी, शिकायत हर अधिकारी से कर दी, ADO ADCO DRA RDM CM तक, समझ गए? ये है सारी कॉपी, है देखो ये सारी कॉपियां दिखा दिखा के थक चुका हूँ, ये देखिए ये सारी कॉपी है। अभी ये 1 बजे के करीब की घटना है, हम लोग सभी दफ्तर में ही थे और एकदम विकास भवन के सामने मात्र 2-3 मिनट के अंदर ये घटना हुई है, जिसके बारे में हम लोगों तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो थोड़ा बहुत संज्ञान में आया वो ये है कि कोऑपरेटिव विभाग से संबंधित कोई मामला है, जिसके तहत इनके परिवार के माता पिता और 2 भाई यहाँ पर आए थे, जिसमें से 1 भाई ने अपने आप को जला लिया है, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया है, और दूसरे भाई को क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी शोरगुल्ला हो रहा था और संभवतः जो इन्फॉर्मेशन है कि दोनों भाइयों में आपस में भी बहस हुई थी, लड़ाई हुई थी जस्ट बिफोर जो इन्होंने खुद को जलाया है, तो उसके संबंध में अभी इनके दूसरे भाई को जो इनके साथ आए थे वो थाने लेके गए हैं। जैसे ही प्रकरण के बारे में पूरी जानकारी मिलती है तो हम लोग उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैडम, वो विकास भवन के अधिकारियों पर शोषण का और रिश्वत खोरी का भी इल्जाम लगा रहा है। देखिए, इसके बारे में मैटर के बारे में अभी कुछ जानकारी है ही नहीं, वो कोऑपरेटिव विभाग के संबंधित ये मैटर है, तो एक बार जब पूरे तथ्य सामने आ जाएंगे तो उसके अनुसार फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक वो आरोप लगा रहा था कि जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसी के खिलाफ उसी पे जांच होनी चाहिए, ऐसा अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया। एक बार वो पता चल जाए कि वो कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों के मौजूद होने के बावजूद भी परिवार में से और दोनों भाइयों में से कोई भी आकर यहाँ पर मिला नहीं, और ठीक यहाँ से 20 कदम की दूरी पर फिर उन्होंने अपने आप को जलाया है, तो एक बार वो मिल भी लेते तो शायद हम लोग समस्या को सुलझा पाते समय से। बलिया के कोतवाली क्षेत्र में UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच टीम ने छापेमारी के दौरान एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 21 जुलाई को मुंबई के भयंदर थाना क्षेत्र में लूट के बाद एक महिला की हत्या हुई थी, उसी मामले को लेकर UPSTF और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की थी। तो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की, दरअसल कुछ दिनों पहले ही महिला की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाराबंकी के टिकैत नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को कोरोना से बचाव का टीका नहीं लग रहा। लोग सुबह से ही केंद्र पर पहुंचते लगते हैं, लेकिन भारी भीड़ के चलते लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है। लोगों को टीका लगवाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। टीका लगवाने के लिए ज्यादातर कंपनी में कार्य करने वाले लोग पहुंच रहे हैं, एक साथ काफी संख्या में पहुंचने के चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। कई अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने से टीकाकरण भी बंद कर दिया जा रहा है। तो कोविड टीका लगवाने को लेकर भीड़ उमड़ी हुई है, टीका न लग पाने से लोग निराश होते हुए लौटते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए थे और 3 दिन से लौट रहे हैं,
और जो मतलब दबंग टाइप के आदमी जो आते हैं वैक्सीन लगवाते हैं और आधार पे लगवा के चले जाते हैं, हम लोगों की पर्ची जमा की जमा रह जाती है, फिर हम लोगों के वापस कर दिया जाता है। मतलब लाइन आप लगाए लेकिन आपको पहले लाइन लगाए नहीं। मतलब जब मैंने मैडम से कहा कि मैं मैडम जी ये क्या कर रही हैं आप, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।